नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारे बिजली के बिल पे पावर फैक्टर का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। पावर फैक्टर का मान एक निश्चित सीमा से कम होने पर हमारे बिल में कैपेसिटर चार्ज या कैपेसिटर सरचार्ज करके जोड़ा जाता है, जो हमको एक्स्ट्रा बिल में देना पड़ता है। पावर फैक्टर का मान हर राज्य के लिए अलग अलग है। अगर मान लीजिए 0.9 से अधिक पावर फैक्टर है तो सही है, अगर उससे कम होता है तो इसका प्रभाव हमारे बिल में पड़ता है। तो आज वीडियो में आपको यही बताएंगे कि यूपी पीसीएल ने उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर सभी सब स्टेशनों पर पावर फैक्टर फीडर अलग से लगा दिया है। उसके लिए सारे उपकरण लगवाए जा रहे हैं ताकि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाए। उसको लगाने के बाद सभी लोगों का पावर फैक्टर लगभग 0.97 से 0.98 तक पहुंच गया है। तो आज आपके आपको हम दिखाएंगे कि वो मशीन किस तरह से लगी हुई है फीडर और सारा इंस्टॉलमेंट किस तरह से हुआ है। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 33 kV की इनकमिंग लाइन आई हुई है जो आइसोलेटर और TPMO से होते हुए ट्रांसफार्मर में आई है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर से 33 kV स्टेप डाउन होकर 11 kV बदलेगा और ये अंडरग्राउंड केबल द्वारा यहाँ पर फिर से एक TPMO लगा हुआ है। जो पावर फैक्टर जो फीडर लगे हुए हैं फिर जो कंट्रोलर हैं यहाँ पर उसमें 11 kV की लाइन गई हुई है। देखिए कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, बॉक्स की तरह दिख रहे हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स HRC फ्यूज और कैपेसिटर बॉक्स कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का कार्य करते हैं। इसे आप ऑन करने के लिए मैनुअली यहाँ पर TPMO भी लगा हुआ है। तो अब देखिए जो फीडर है पावर फैक्टर फीडर का जो फीडर है वो सेम जो हमारे पास्कल के फीडर होते हैं ग्रामीण इलाकों के लिए शहर में सप्लाई देने के लिए, एकदम उसी तरह का सेम फीडर है। ये कैपेसिटर फीडर है, सारे कंट्रोल पैनल सेम उसी तरह से है, यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। सारे डिस्प्ले वगैरह सेम उसी फीडर की तरह है और ये फीडर भी एकदम पुराने फीडर की तरह ही है और ये पावर फैक्टर फीडर है। यहाँ पर जो ये बॉक्स दिख रहा है ये पावर फैक्टर कंट्रोलर है, इसके द्वारा पावर फैक्टर को कंट्रोल किया जाता है। इस फीडर के लगने के बाद इस पावर हाउस पर जितने भी संबंधित फीडर्स हैं सब पे पावर फैक्टर का मान लगभग 0.98-0.99 हो गया है। तो पावर फैक्टर फीडर लग जाने से पावर फैक्टर का मान बहुत ही सही हो जा रहा है। इससे बिल में काफ़ी फायदा प्राप्त होगा उपभोक्ताओं को। तो फ्रेंड्स आप अपने यहाँ ज़रूर अपना चेक करिए कि आपका पावर फैक्टर सही हुआ कि नहीं। अपने मीटर में एक बार जाकर जरूर चेक करिए कि आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया है कि नहीं। फ्रेंड्स इसमें भी रीडिंग है, हैंडल वगैरह सब कुछ सेम दिया हुआ है, अपना पावर फैक्टर जरूर चेक। आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और पावर फैक्टर से रिलेटेड हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले से उपलब्ध है कि पावर फैक्टर क्या होता है, किस तरह वेरी करता है और पावर फैक्टर पर किस किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, पावर फैक्टर को किस प्रकार हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यह इसके लिए वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड वीडियोस की आपको अपडेट हमेशा मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।